ओम शांति। अब एक मुरली का डेट है, 1 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य, सभी व्यक्ति में होते हुए भी, व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त स्थिति में हो। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं, उसकी पहचान है। पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान और पहचान के बाद है फिर परख। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं, बच्चों ने जवाब दिया, व्यक्त का भान ना रहे। व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा, व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, यह कितना अनुभव होता है, आज ये सभी से पूछना है। अव्यक्त स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय रहते हो, ज़्यादा में ज़्यादा कितना समय होना चाहिए मालूम है, बच्चों ने जवाब दिया 8 घंटा। संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम से कम है। आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज़्यादा है, कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, जो 6 घंटे तक पहुँचे हैं वो हाथ उठाए, कोई ने नहीं उठाया। अच्छा, 4 घंटे तक जो पहुँचे हैं वो हाथ उठाए, कोई ने 4 घंटे में, किसी ने 2 घंटे में हाथ उठाया। इस रिजल्ट के हिसाब से कितना समय पुरुषार्थ का चाहिए, कोर्स भी पूरा हो गया, रिवाइज कोर्स भी हो रहा है और फिर भी मेजॉरिटी की रिजल्ट, इसका क्या कारण है। सभी पुरुषार्थी भी पुरुषार्थ भी करते हो, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं होता। तो बच्चों ने जवाब दिया अटेंशन कम है। किस बात का अटेंशन कम है, यह तो अटेंशन सभी रखते हैं कि लायक बने, नज़दीक आए, फिर भी मुख्य कौन सा अटेंशन कम है जिस कारण अव्यक्त स्थिति कम रहती है। सभी पुरुषार्थी ही यहाँ बैठे हैं ना, ऐसा कोई होगा जो कहे मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ। पुरुषार्थी होते हुए भी कमी क्यों, क्या कारण है। अंतर्मुख रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते हो, बाहर मुक्ता में भी क्यों आ जाते हो। ज्ञानी तो आत्मा भी तो सभी बने हैं, ज्ञानी तो आत्मा समझदार बनते हुए फिर बेसमझ क्यों बन जाते हो। समझ तो मिली है, समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है, कोर्स पूरा हुआ गोया समझदार बन ही गए, फिर भी बेसमझ क्यों बनते हो। मुख्य कारण ये देखा जाता है, कोई कोई में अलबेलापन आ गया है जिसको सुस्ती कहते हैं। सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। आलस्य भी कई प्रकार का होता है, तो मेजॉरिटी में किसी न किसी रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया है। इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने के कारण जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वो नहीं कर पाते। बुद्धि में ज़्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज़्यादा अलबेलापन हो जाता है। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वे फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं वे ज़्यादा अलबेलापन में आ गए हैं। जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़पन थी, ऐसे बन करके दिखाएंगे, ये करके दिखाएंगे, अभी वह तड़पन खत्म हो गई, तृप्ति हो गई है, अपने आप से तृप्त हो गए हैं। ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं, चली रही है। यह तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना, पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। जैसे बांधेलियाँ तड़पती है तो पुरुषार्थ में भी तीव्र करती है, और जो बांधेलियाँ नहीं है वो तृप्त होती है तो अलबेले हो जाते हैं। ऐसी रिजल्ट मेजॉरिटी पुरुषार्थियों की देखने में आती है। हमेशा समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज़्यादा समझदार समझते हैं। पहले भी सुनाया था ना, जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हो, और जहाँ मालिक बनना चाहिए वहाँ बालक बन जाते हो। तो अभी बच्चे रूप का मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो, राज्य अधिकारी तो बन गए, तिलक भी आ गया, लेकिन यह ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चल सकेगा। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा, अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढाला है। पुरुषार्थी तो सभी है, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए वह शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेले जैसे रू रिहान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत रहे हैं।
जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो, वैसे अब यही समझना है कि समय थोड़ा है। उसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना या विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रख आगे बढ़ना है। अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो आने वाले परीक्षाएं, उनकी रिजल्ट क्या होगी? परीक्षाएं कड़े आने वाले हैं, उसका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। अगर पुरुषार्थ साधारण, परीक्षा कड़ी, तो क्या रिजल्ट होगी? अच्छा, आज तो गोपों से मुलाकात करते, अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हो? चल तो रहे हो, लेकिन कितनी परसेंटेज में? जो समझते हैं कि हम 75% श्रीमद पर चल रहे, वे हाथ उठाए। कईयों ने हाथ उठाया। अच्छा, मुख्य पुरुषार्थ श्रीमद क्या है? मुख्य श्रीमद यही है कि ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहना, क्योंकि इस याद की यात्रा से ही पवित्रता, दैवी गुण और सर्विस की सफलता भी होगी। जो 75% श्रीमद पर चलते हैं, उनों का याद का चार्ट कितना? याद का चार्ट भी 75 होना चाहिए। इसको कहते हैं पूरी पूरी श्रीमद पर चलने वाले। आज खास गोपों को आगे किया है और गोपियों को पीछे मंगाया है, क्योंकि जब भी मिलन की बात होती है तो गोपियां जल्दी आ जाती है, गोप देखते रह जाते हैं। गोपों को जिम्मेवारी भी देनी है, यूं तो दी हुई है। जैसे आप लोगों के चित्र में दिखाया है ना कि द्वापर के बाद ताज उतार जाते हैं, तो यह जिम्मेवारी का ताज भी दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते हैं और माया भी उतार देती है। सत्यु में तो ताज इतना हल्का होता है जो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कुछ बोझ सिर पर है। सत्यु की सीनरियां सामने आती है या नहीं? सत्यु के नजारे स्वयं ही सामने आते हैं या लाते हो? जितना जितना आगे बढ़ेंगे, ना चाहते हुए भी सत्यु के नज़ारे स्वयं ही सामने आएंगे, लाने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना जितना नज़दीक होते जाएंगे, उतना उतना नज़ारे भी नज़दीक होते जाएंगे। सत्यु में चलना है और खेलपाल करना, यह तो निश्चित है ही। आज जो भी सभी बैठे हैं, उनमें से कौन समझता है कि हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे, उनकी फैमिली में आएंगे, वह सखा सखी बनेंगे, वह तो स्कूल के साथ ही बनेंगे। जो समझते हैं कि तीनों में से कोई ना कोई ज़रूर बनेंगे, ऐसा निश्चय बुद्धि कौन है? सभी ने हाथ उठाया। नज़दीक आने वालों की संगम युग की निशानी क्या होगी? यहाँ कौन अपने को नज़दीक समझता है? यज्ञ सर्विस जो वह जो बाप दादा का कार्य, उसमें जो नज़दीक होगा, वही वहाँ खेलपाल आदि में नज़दीक होगा। यज्ञ की जिम्मेवारी व बाप दादा को कार्य की जिम्मेवारी के नज़दीक जितना जितना होंगे, उतना वहाँ भी नज़दीक होंगे। नज़दीक होने की परख कैसे होगी? हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए, जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हैं, उतना ही इस तरफ देते हैं? इस तरफ ज़्यादा देना चाहिए? अगर ज़्यादा नहीं तो उसका वजन एक कैसे होगा? एक जैसा है क्या? अगर दोनों तरफ एक जितना है तो भी नज़दीक गिना जाएगा। इस हिसाब से अपने को परखना है। अभी तक रिजल्ट में लौकिक जिम्मेवारियों का बोझ ज़्यादा देखने में आता है। खास मुख्य गोपों को यह बातें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का दिन जो बीता, कितना समय लौकिक जिम्मेवारी की तरफ दिया और कितना समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेवारी की तरफ दिया, कितने मददगार बने। ये चेकिंग करते रहेंगे तो पता पड़ेगा कि कौन सा तरफ खाली है। सभी प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक जितना ज़रूर तो होना चाहिए ना, कम से कम अलौकिक में कम नहीं होना चाहिए। उस तरफ कम हुआ तो अर्जा नहीं, इस तरफ कम नहीं होना चाहिए, तो फिर लौकिक जिम्मेवारी की कमी को भी ठीक कर सकेंगे। परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। कोई कोई कहते पहले व्यवहार को ठीक कर फिर परमार्थ में लगे, ये ठीक नहीं है। ये तो खास ध्यान रखना है। खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद है जो गोप ही पूरे कर सकते हैं, गोपियों से नहीं हो सकती। वो कौन सी उम्मीद? पांडवों का मुख्य कार्य यही है, जो कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रति समय आने वाली भी है और आती भी रहती है, तो परीक्षा और लोगों की परख यह विशेष गोपों का काम है, क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करने का मुख्य कार्य है।
शक्तियों का काम है तीर लगाना, लेकिन हर प्रकार की परीक्षा और लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना पांडवों का काम है। इतनी जिम्मेवारी उठा सकते हो? यह शक्तियों के रखवाली की आपको आवश्यकता है। कहाँ कहाँ देखने में आता पांडव अपनी रखवाली की औरों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन पांडवों को अपनी रखवाली के साथ साथ चारों ओर की रखवाली भी करनी है। बेहद में दृष्टि होनी चाहिए, ना कि हद में। अगर अपनी ही रखवाली नहीं कर सकेंगे तो फिर औरों की मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, होम शन।